बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ ओरिएंटल कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स अटक। आई एम योर लेक्चरर मोहम्मद मुजाहिद रियाज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्लास आईकॉम पार्ट टू, एंड इट इज़ माई लेक्चर नंबर 3 ऑन द सेम टॉपिक। टुडे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का इमेज ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। खुबैब कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016 वाज 38,000। अब यहाँ से असेस करना मुश्किल है ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। इसकी अगली लाइन जो है वो आपको बेहतर गाइड करेगी कि इस कैपिटल की क्या नोयत है। हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015 वाज 20,000। अब ये जो 1 जुलाई 2015 है ये 20,000 रुपये ये ओपनिंग कैपिटल कंसिडर होगा, और एक सेशन पूरा होने के बाद 30 जून 2016 पे जो 38,000 रुपये दिए हुए हैं, ये मैं एरो के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ये 38,000 रुपये जो हैं ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में ये बात की थी कि अगर ओपनिंग स्टेटमेंट भी ओपनिंग कैपिटल भी मिल गया है और क्लोजिंग कैपिटल भी मिल गया है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्टली हमने क्या बनाना है, तीसरी स्टेटमेंट बनानी है विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ही विदड्रू, उसने विदड्रॉ किए फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज़, जिसे ड्राइंग्स कहते हैं, फॉर रुपीज 600 पर मंथ। 600 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ईयरली ड्राइंग्स निकल आएंगी। इसके बाद कहता है जी ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 4,000 एट 3% प्रीमियम। उसने अपनी 4,000 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट उसको 3% मुनाफे पे बेचा, एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, और वो पैसा कारोबार में ले आए। कैलकुलेट, अब ये जो कारोबार में पैसा लेके आए ये हमारा एडिशनल कैपिटल है। इसमें हम जब आगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो ये एडिशनल कैपिटल हम काउंट करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ खुबैब फॉर द ईयर। अब नेक्स्ट स्लाइड में ये आपके सामने नज़र आ रही है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेटअप बना हुआ है उसके फॉर्मेट। अब उसमें इसके टॉप पे जो ऑनर है उसका नाम, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट का नाम है, और उसके बाद इस जिस डेट पे हम तैयार कर रहे हैं स्टेटमेंट, ये है 30 जून 2016। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है इस फॉर्मेट में, क्लोजिंग कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 38,000 रुपीज़। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करना होता है, 600 × 12 7,200 माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, ये भी क्वेश्चन में पहले सेकंड लाइन में अवेलेबल था, 20,000 रुपीज़, और माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। अब उसने बताया था कि 4,000 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट है जिसको उसने 3% मुनाफे पर बेचा, तो पहले 4,000 लिख देते हैं प्लस उसके अंदर 3%, 4,000 का जो निकालेंगे वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे जो प्रीमियम बनेगा। तो ये 4,000 में जो 120 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे जो 3% बन रहा है 4,000 का, तो उसने जो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट सेल की उसकी वैल्यूत ये आपके सामने नज़र आ रही है 4,120 रुपये। अब जब 38,000 में 7,200 ऐड करेंगे और 20,000 माइनस करके और 4,120 भी माइनस कर देंगे तो आपका जो कैलकुलेटर पे आंसर नज़र आएगा दैट इज़ 21,080। मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, ये कैलकुलेटर आपके सामने आ गया, इस पे लिखते हैं जी 38,000 प्लस 7,200 माइनस 20,000 एंड माइनस 4,120। तो जब हम इसको एंटर करते हैं तो 21,080। हमने ये कहा था कि अगर पॉजिटिव आंसर आए तो इसको क्या अज्यूम करेंगे, नेट प्रॉफिट। तो ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी 21,080 रुपये, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है और इस क्वेश्चन में ये प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट। जज़ाकअल्लाह स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखें, अपने वालदैन की सेहत का ख्याल रखें, उनके लिए दुआ करें, और इसी तरह असातिज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।